नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है मनोज की फिल्मी दुनिया में। फिल्म इंडस्ट्री में साथ काम करते हुए सितारों को तमाम खट्टे मीठे अनुभव होते हैं। कुछ स्टार्स के बीच दोस्ती होती है तो कुछ के बीच भयंकर झगड़ा और मनमुटाव। कुछ ऐसा ही मनमुटाव अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा के बीच हुआ था। दोनों ने कई हिट फिल्मों में साथ काम किया, दोनों के बीच अच्छी बॉन्डिंग भी थी, मगर फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान कुछ ऐसा हो गया कि इनकी दोस्ती में दरार आ गई। आखिर क्या थी वजह? वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी आत्मकथा में कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने फिल्म काला पत्थर का वो किस्सा भी साझा किया है। एक्टर के मुताबिक इस फिल्म की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने उनकी पिटाई कर दी थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने लिखा, 70 के दशक में बॉलीवुड में उनका कद अमिताभ बच्चन से भी बड़ा था। लोग कहते थे कि अमिताभ और मेरी ऑन स्क्रीन जोड़ी सुपरहिट है, पर वे मेरे साथ काम नहीं करना चाहते थे। उनको लगता था कि नसीब, काला पत्थर, शान और दोस्ताना में मैं उन पर भारी पड़ गया था। फिल्मों में जो शोहरत अमिताभ बच्चन चाहते थे वो मुझे मिल रही थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बायोग्राफी एनीथिंग बट खामोश में इस बड़े राज से पर्दा उठाते हुए खुलासा किया कि फिल्म काला पत्थर की शूटिंग के दौरान एक फाइट सीन में अमिताभ ने मेरी बुरी तरह पिटाई की थी। वो मुझे लगातार मारते जा रहे थे और वहां मौजूद लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो मुझे तब तक मारते रहे जब तक शशि कपूर ने बीच में आकर हमें अलग नहीं किया। हालांकि यह फिल्म का सीक्वेंस था, पर मुझे इस सीन के बारे में कुछ भी नहीं बताया गया था। शत्रुघ्न सिन्हा ने यह भी जिक्र किया कि काला पत्थर के सेट पर अमिताभ के बगल वाली कुर्सी कभी भी मुझे ऑफर नहीं की गई, ना ही कभी उनका छाता मुझसे शेयर किया गया। हम एक ही लोकेशन से सेट पर आते थे और वो अपनी कार से होटल में जाते थे, लेकिन कभी नहीं कहा उन्होंने कि चलो साथ चलते हैं। ये मुझे अजीब लगता था। मैं हमेशा सोचता था कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैंने कभी उनसे कोई शिकायत नहीं रखी थी। शत्रुघ्न सिन्हा के मुताबिक दिक्कत ये थी कि मेरी एक्टिंग की तारीफ हो रही थी। अमिताभ देख सकते थे कि मुझे कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है। अमिताभ इससे परेशान होते थे और वो नहीं चाहते थे कि मैं उनकी फिल्म का हिस्सा बनूं। इसी वजह से मैंने कई फिल्में छोड़ दी और साइनिंग अमाउंट तक लौटा दिए। बॉलीवुड स्टार शत्रुघ्न सिन्हा ने एक इंटरव्यू के दौरान अमिताभ बच्चन को लेकर एक और खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि सन 1979 में रिलीज हुई फिल्म काला पत्थर में एक फाइट सीक्वेंस को अमिताभ बच्चन के पक्ष में बदल दिया गया था, जो शत्रुघ्न को पसंद नहीं आया था। उन्होंने कहा, वैसे ये जानबूझकर नहीं किया गया था। पूरा किस्सा बताते हुए उन्होंने कहा कि फिल्म के एक सीन में मेरे और अमिताभ के बीच एक फाइट सीन होना था। फाइट सीन को कोरियोग्राफ करने फाइट मास्टर सेट्टी वहां मौजूद थे। मेरे और अमिताभ के बॉडी डबल के बीच फाइट चल रही थी। फाइट के बीच में अचानक मेरा डुप्लीकेट नीचे गिर जाता है और अमिताभ का डुप्लीकेट उसके गले पर फावड़ा रख देता है। मैं ये सब कुछ एक कोने में बैठे हुए देख रहा था। उन्होंने कहा, मेरी आदत नहीं थी कि मैं शूटिंग के बीच में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करूं। फाइट में किसको ज्यादा ताकतवर दिखाना है ये स्क्रिप्ट में नहीं लिखा गया था, लेकिन ये हादसा होने के बाद लोगों ने अमिताभ को जिताने का पक्ष लिया। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि भले ही हम अपने स्ट्रगल के दिनों से दोस्त थे, लेकिन इस बात से मैं सहमत नहीं था। अब ये रोमांच का चक्कर हो या रोमांस का, उस समय कुछ तो हुआ। मैंने ये बात अमिताभ की टीम से कहा कि ये स्क्रिप्ट में नहीं है, लेकिन उनकी टीम ने इस सीन को इसी तरह रखने की मंजूरी दे दी थी। शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा कि उन्होंने सीन में बदलाव का विरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि कौन ताकतवर है, इसका फैसला उस दिन नहीं हो सका। बता दें, काला पत्थर के अलावा दोनों ने दोस्ताना
शान और नसीब जैसी फिल्मों में साथ काम किया था, लेकिन बाद में शत्रुघ्न ने अमिताभ के साथ फिल्में करना बंद कर दिया। उन्होंने आगे कहा कि बहुत सारी फिल्में बन रही थी, लेकिन मुझे उनमें से कुछ को छोड़ना पड़ा। मैंने उनमें से कुछ को साइनिंग अमाउंट भी लौटा दिया था। चासनाला खदान में हुए हादसे को यश चोपड़ा ने काला पत्थर फिल्म के माध्यम से सामने रखा था। इस हादसे में कई मजदूरों की जानें गई थीं। उनकी बनाई एक फिल्म ने पूरे देश को झकझोर दिया था। फिल्म 24 अगस्त 1979 में देश भर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। इस मूवी ने उस समय के कई हिट फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। झारखंड के गिद्दी वासरी में काला पत्थर की शूटिंग हुई थी। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शशि कपूर, शत्रुघ्न सिन्हा, राखी, नीतू सिंह, परवीन बॉबी जैसे एक्टर्स नजर आए थे। तो दोस्तों, मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।